जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी जो है लोकल एरिया में एक डेवलपमेंट स्कीम बनाया गया था। मतलब अभी इसके पहले हमने देखा कि जितने भी एमपी आते थे उतना अपना काम करते नहीं थे, तो एक गवर्नमेंट स्कीम लाई जिसमें क्या किया गया कि एम पी लेट्स है जिसको फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसमें क्या करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहेंगे वो क्या करेंगे, लोकल एरिया को डेवलप करने का एक स्कीम बनाया गया। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया कि बहुत सारे योजना लाए गए हैं जिस इस योजना में डेवलपमेंट बताया कैसे लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि और भी कोई तरीका है नहीं। क्योंकि जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, वो ऊपर ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन लोअर लेवल पर काम हो नहीं पाता। इस लोअर लेवल पर काम करने के लिए एक लाया कि एमपी को ही काम क्यों ना दे दिया जाए, जितने फंड वो रिलीज कराएंगे उस फंड के अनुसार से अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो एमपी लेट्स का जो शुरुआत हुआ था 23 दिसंबर 1993, एक्चुअली ये हुआ तो काफ़ी पहले से था लेकिन जो मेन इम्प्लीमेंटेशन एमपी के लिए पर्टिकुलर किया गया था कब, 23 दिसंबर 1993 को। तो 23 दिसंबर 1993 को ही जो फंड रिलीज किया गया था, तो सबसे पहला 5 लाख रुपया प्रत्येक साल दिया जाता था। तो 1993 से 1994 में कितना दिया जाता था, तो 5 लाख रुपीज़ पर ईयर दिया जाता था। फिर 1998 और 1999 में कितना, 2 करोड़ CR हो गया, 2 करोड़ 1 साल में उसे क्या दिया जाता था कि डेवलपमेंट कराने के लिए, लोकल डेवलपमेंट कराने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही हमारा 1999 अप्रोक्स अभी जो करेंट में जो भी है, करेंट में कितना पैसा दिया है, तो 5 करोड़ 1 साल में उसे लिया जाता था, जाता है अभी 2 इंस्टॉलमेंट है। एक इंस्टॉलमेंट जो 6 महीने के लिए उसमें 2.5 करोड़ दिए जाते हैं और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होता है उसमें कितने 2.5 करोड़ अगेन दिए जाते हैं, जो मिलकर 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल एक एमपी को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि 5 करोड़ मिलता है एक साल में एक एमपी को, ठीक है, किस लिए, तो लोकल एरिया को डेवलपमेंट कराने के लिए। तो मेंबर ऑफ जो राज्यसभा होता है रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को, जैसे हम लोगों को पता है मेंबर ऑफ राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर स्टेट को करेगा, और वो पर्टिकुलर उसी स्टेट में उसे 2 या 2 से अधिक क्या दे दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं जिसे उसे डेवलपमेंट कराना होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक या एक से अधिक उसे क्या क्या सिटी दे दिया गया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया कि आप इस डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या डेवलपमेंट कराइएगा, कितना पैसा दिया जाता है, तो 5 करोड़ रुपया पर ईयर दिया जाता है। जो एमपीज होते हैं, ऐसा नहीं कि वो एमपी सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ही काम करें, कंस्टिट्यूएंसी जो अपना एरिया होता है जिस एरिया से वो जीतते हैं, जिस एरिया से एमपी बनते हैं, उस एरिया के बाहर भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या हो जाता है कि उसे 25 लाख रुपये मिलेंगे एमपी को कब, तो आउटसाइड कंस्टिट्यूएंसी काम करने के लिए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश कंस्टिट्यूएंसी से वो जीता है या कहीं भी ऐसा जो उसके बाहर में अगर काम करना चाहता है, तो 25 लाख रुपये उसे मिलेंगे। तो रीज़न क्या होगा, अगर कंस्टिट्यूएंसी के बाहर वो काम करता है तो ऐसे ही तो मिलेगा नहीं। तो अगर उस एरिया में वो चाहता है कि डेवलपमेंट कराए अपने तरीके से, अगर वहाँ पर नेचुरल कैलामिटी कोई आ जाए या यूनिटी के लिए कोई काम किया जाए, फ्रेटर्निटी के लिए कोई काम किया जाए, तो उसके लिए 25 लाख रुपया क्या पर ईयर उसको मिलेगा, 25 लाख स्टेट में मिलेगा, और 1 करोड़ रुपया अगर पूरे इंडिया में डेवलपमेंट कराना चाहता है तो 1 करोड़ रुपया पूरे इंडिया के लिए उसे मिलेगा। अगर पर्टिकुलर स्टेट का बात किया जाए, जो ऐसा पॉलिसी वो लाना चाहता है, 25 लाख रुपया पूरे कंट्री के लिए 1 करोड़ रुपया। तो ऐसा क्या कि डायरेक्ट उससे थोड़ी पैसा मिल जाता है, उसे डायरेक्ट तो पैसा मिलेगा नहीं। तो क्या जो फंड रिलीज़ किए जाते हैं वो फंड, जैसे मौसपी, अगर मौसपी के बारे में बताऊंगा, पहले भी बताया टॉपिक हमारे जो पिछला टॉपिक था लेकिन बताएंगे फिर से, ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बनाया जाता है, उसे पैसा मिलता है। पर्टिकुलर हमने क्या बोला कि एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, डेवलपमेंट कराएगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटी जो होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उसको वो पैसा सैंक्शन किया जाता है, और जैसे जैसे एमपी काम करते उस तरह से उसको पैसा वो ग्रांट किया जाता है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैंक्शन द वर्क, है ना, क्या क्या काम कराना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बताता है और पैसा भी उसके अनुसार से उसको मिलता है। मौसपी फंड्स टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द एमपी, फिर ये मौसपी क्या करेगा, जो फंड मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देगा, फिर उसके बाद वो किसको मिलेगा, एमपीज को मिलेगा, ठीक है। तो मौसपी हम काफ़ी बार यूज़ करें, मौसपी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौसपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक मतलब जो डेटा मिलता है उसके अनुसार से काम करेगा और उसका क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो मौसपी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। साथ में क्या, ये जो एमपीज खर्च कहाँ करेगा, तो खर्च का कुछ क्राइटेरिया है, ये मनरेगा के ऊपर जनरली खर्च करेगा। मनरेगा हमने देखा था, मनरेगा हमारा टॉपिक है, पिछला टॉपिक आप देख लीजिएगा, मनरेगा में कैसे किया गया था, 100 डेज का जो सुपरविजन दिया गया था कि आपको हम जॉब देंगे ही देंगे लेबर क्लास को, साथ में डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट कराएगा, जो खेलो इंडिया
के अंतर्गत आता है, ठीक है, दो एरिया है। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे जो स्टेट से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं इसमें। तो हम आज देखेंगे टॉप 5 स्टेट कौन है जो ये एमपीलैड्स के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला तेलंगाना आता है, वो 101.42% तक का काम कर लिया है, ठीक है, सबसे ऊपर तेलंगाना, फिर सिक्किम है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, केरला का नंबर आता है, वेस्ट बंगाल का आता है। तो सीरीज आ सकता है एग्जामिनेशन में कि कौन सा नंबर पर है। तो सबसे पहले तेलंगाना, फिर सिक्किम आता है, छत्तीसगढ़ आता है, केरला आता है, फिर वेस्ट बंगाल। सबसे बॉटम स्थान पे कौन है, तो सबसे बॉटम उत्तराखंड है, ठीक है, सबसे नीचे कौन है, उत्तराखंड है, फिर त्रिपुरा है, झारखंड है, राजस्थान है, उड़ीसा है, ठीक है, सबसे नीचे कौन है, उत्तराखंड है, फिर त्रिपुरा है, झारखंड है, राजस्थान है, उड़ीसा है। बात किया जाए तो मेजोरिटी कहाँ कहाँ स्पेंड करते हैं, जो भी इनको पैसा मिलता है 5 करोड़ रुपया अगर उनको मिल रहा है प्रत्येक साल, तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। तो मेन में क्या है, वो रेल के, अगर रेलवे को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, रोडवेज को कराने के लिए, पाथवे को कराने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, 4-5 एरिया में 43% वो खर्च करता है। उसके अलावा एजुकेशन वगैरह पर बहुत कम खर्च करता है। जिस दिन एजुकेशन पर ज़्यादा एमपी खर्च करने लग जाए तो निश्चित है कि हमारा जो स्टेट है काफ़ी डेवलप करेगा, ठीक है, और बाकी अदर जितने भी डेवलपमेंट उसमें 23% वो योगदान देते हैं। ये हमने पूरा देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत क्या क्या होता है, किस तरह से स्टार्टिंग किया गया और कैसे अभी 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल इसको इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, 1.5 करोड़ और दूसरा 2.5 करोड़ 6-6 महीने पर। दूसरा देखें 1 MP 1 आइडिया, ये 1 MP 1 आइडिया है क्या, तो 1 MP को आइडिया दिया कि अगर 1 MP हम एक डिस्ट्रिक्ट को दे दें वो डेवलप पर्टिकुलर कराएगा, जैसे एक बच्चे को गोद दे देंगे तो क्या करेंगे बच्चे, जो पेरेंट्स हो गए अपने एक बच्चे को अच्छे तरीके से संभाल लेते, उसी तरह अगर एक डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाए एमपी को तो आई थिंक सो अच्छा से काम करेगा, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है जो सक्सेस किया है। तो 1 MP 1 आइडिया किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी। तो मॉस्पी का फुल फॉर्म आएगा ही एग्जामिनेशन में, अगर आप देते हैं सोशल सिक्योरिटी का कोई भी एग्जामिनेशन तो मॉस्पी क्या हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये पहले किस जो था 1 MP 1 आइडिया, ये MRD के अंदर काम करता, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर पहले काम करता था, फिर बाद में एक MPLATS के अंदर में चला आया, ठीक है। ये जो MPLATS जो है क्या करता है, जो हमने पहले देखा था MPLATS, ये पूरा प्रोग्राम जो है 1 MP 1 आइडिया ये किसके अंतर्गत काम करेगा, तो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। तो इसे इशू कौन करता था, पहले MRD करता था, अभी मॉस्पी करता है। 50% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने परसेंट जो मनी है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट पर वो खर्च करेगा, तो 15% और 7.5% किस पर, शेड्यूल ट्राइब पर ये खर्च करेगा। ये इनोवेटिव आइडिया जो है लोकल पीपल से ले सकता है, जो MP होगा क्या इंप्रूव करना है, किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि लोकल एरिया को ही तो पता होगा ना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि इनोवेटिव आइडियाज़ जो रिसीव करता है लोकल पीपल, क्योंकि लोकल पीपल को ही पता होता है ना कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। कंपटीशन कराएगा कि जो पर्टिकुलर एरिया है सब में क्या किया गया, अगर कंपटीशन कराए तो MP ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ को इंप्रूवमेंट कराना है तो कंपटीशन इज़ द बेस्ट आइडिया। तो कंपटीशन कराया जाता है एजुकेशन के मामले में, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट का हमने डेटा दिया कि एजुकेशन अच्छा है, स्किल अच्छा है, बिल्डिंग अच्छा है, और स्किल बिल्डिंग अच्छा है, एनर्जी है, एनवायरमेंट है, सब चीज़ अच्छे हैं, तो जो जितने लेवल पर अगर होगा ये सारे क्या कंपटीशन का क्राइटेरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट जितना डेवलपमेंट इस एरिया में करेगा वो नंबर 1 पे चलाएगा कंपटीशन, और उसको नंबरिंग किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, NGO, इंडस्ट्री, ये सारे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, तो ये कंपटीशन में, कि इंडिविजुअल खुद भी अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो इस कंपटीशन में आ सकते हैं, कोई ग्रुप है, NGO है, कोई इंडस्ट्री है, एकेडमी अगर चाहता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तो कर सकते हैं। तो 1 MP 1 आइडिया जो है बहुत अच्छा आइडिया था, जिसके कारण क्या डेवलपमेंट तो बहुत हद तक अच्छा हुआ, खासकर कुछ कुछ एरिया, जैसे आप इंदौर का नाम सुना होगा और पर्टिकुलर सिक्किम के बहुत सारे एरिया हैं, केरला तो पहले से ही डेवलपमेंट था, बिहार के कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया, ये 1 MP 1 आइडिया और MPLATS जो है इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, 5 करोड़ प्रत्येक साल इसको क्या दिया जाता है कि आप इसके 5 करोड़ में आप अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो एरिया आपको अथॉरिटी दिया गया है उसे इम्प्रूव कीजिए। 23 दिसंबर 1993 को क्या है लॉन्च किया गया था, मेंबर ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्टेट को और मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट को भी कर सकता है। MP जो होते हैं आउटसाइड कंस्टिट्यूएंसी के लिए 25 लाख मिलता है नेचुरल कलामिटी के लिए, लेकिन अगर बात किया जाए पूरे कंट्री के लिए तो 1 करोड़ रुपया उसे मिल सकता है। और बात के मॉस्पी जो है फंड डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिलीज करता है, उसके बाद वो MP को जाता है। मनरेगा और डेवलपमेंट में क्या करता है, जनरली क्या होता है मनरेगा और स्पोर्ट्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टॉप 5 स्टेट कौन कौन से, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरला और वेस्ट बंगाल है।
बॉटम का बात किया सबसे नीचे, तो उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया। मेजोरिटी जो स्पेंड करते हैं जहाँ कहाँ का खर्च करते हैं, तो रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, पाथवेज हो गया, ब्रिज हो गया, और एजुकेशन पे बहुत कम खर्च करते हैं। जिस दिन एजुकेशन पे खर्च ज़्यादा होने लगा तो हमारा स्टेट्स और कंट्री खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, वन एम पी वन आइडिया एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंतर्गत आता है, यही क्या करते हैं उसको देखभाल करता है। पहले कौन था, MRD देखता था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखता था। फिर 15% जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% क्या होते हैं खर्च किए जा करना मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। ओके, इनोवेटिव आइडिया कौन देगा, तो लोकल पीपल देगा। कंपटीशन हेल्प कराया जाता है, किस में होता है, क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन किस एरिया में किया जाता है, एजुकेशन में किया जाएगा, स्किल में किया जाएगा, स्किल बिल्डिंग कराया जाएगा, एनर्जी में देखा जाएगा, कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्टेट में ज़्यादा एनर्जी हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल किस प्रकार से आपका पोल्यूशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसके अनुसार से कंपटीशन, और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से आपका होता है उसमें ये कंपटीशन कराया जाता है। इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, ग्रुप भी या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनजीओ भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी कर सकते हैं, और अकेडमी कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भी इसमें क्या कर सकता है कि कंपटीशन में भाग ले सकता है और अपने अपना प्लानिंग, अपने अपने आइडियाज दे सकते हैं MP को कि कैसे हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव कराया जा सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से MP Lads और वन MP वन आइडिया का हम एक एक पॉइंट, एक एक डिस्क्रिप्शन दिया। कैसा हमारा वीडियो लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।